बड़ी खबर से प्रदेश में तबलीगी जमात के 79 लोगों की पहचान हुई है। जी हां, तबलीगी जमात के 79 लोगों की पहचान हुए है और विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है। ये 79 विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है। बहराइच में 17 विदेशी, लखनऊ में 24 विदेशी नागरिकों की पहचान हुई, बिजनौर में 8 और मेरठ में 10 की पहचान हुई है। बांग्लादेश, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया के ये लोग बताए जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपको दे दें, ये तबलीगी जमात के लोगों की पहचान हुई है। दिल्ली में निजामुद्दीन में जो प्रकरण देखने को मिला, निजामुद्दीन से जो सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया है कि कहां हम स्टेज 2 पर ही रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हर कोई अपने स्तर से लगा हुआ था कि वो लॉकडाउन का पालन करे, लेकिन दूसरी तरफ तबलीगी जमात के जो लोग थे, जो सदस्य हैं, वो मरकज में रुके हुए थे हजारों की तादाद में। और उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि बहुत सारे लोग उनमें से देश के अलग अलग हिस्सों में गए, और सिर्फ अलग अलग हिस्सों में नहीं गए, जब वहां उनकी जांच हुई तो पता चला कि कोरोना पॉजिटिव है, वो कोरोना संक्रमित मिले बहुत सारे। ऐसे में प्रदेश की बात करें तो तबलीगी जमात के 79 लोगों की पहचान हुई है और ये सारे विदेशी बताए जा रहे हैं। जो ये 79 लोग हैं, ये सभी विदेशी बताए जा रहे हैं और इनकी पहचान हो गई। लखनऊ से 24 विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है। बहराइच की बात करें तो बहराइच से 17 विदेशी नागरिकों की पहचान हुए, बिजनौर से 8, जबकि मेरठ की बात करें तो यहां से भी 10 लोगों की पहचान हुई है। बड़ी खबर से प्रदेश में तबलीगी जमात के 79 लोगों की पहचान हुई है। जी हां, तबलीगी जमात के 79 लोगों की पहचान हुए है और विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है। ये 79 विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है। बहराइच में 17 विदेशी, लखनऊ में 24 विदेशी नागरिकों की पहचान हुई, बिजनौर में 8 और मेरठ में 10 की पहचान हुई है। बांग्लादेश, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया के ये लोग बताए जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपको दे दें, ये तबलीगी जमात के लोगों की पहचान हुई है। दिल्ली में निजामुद्दीन में जो प्रकरण देखने को मिला, निजामुद्दीन से जो सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया है कि कहां हम स्टेज 2 पर ही रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हर कोई अपने स्तर से लगा हुआ था कि वो लॉकडाउन का पालन करे, लेकिन दूसरी तरफ तबलीगी जमात के जो लोग थे, जो सदस्य हैं, वो मरकज में रुके हुए थे हजारों की तादाद में। और उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि बहुत सारे लोग उनमें से देश के अलग अलग हिस्सों में गए, और सिर्फ अलग अलग हिस्सों में नहीं गए, जब वहां उनकी जांच हुई तो पता चला कि कोरोना पॉजिटिव है, वो कोरोना संक्रमित मिले बहुत सारे। ऐसे में प्रदेश की बात करें तो तबलीगी जमात के 79 लोगों की पहचान हुई है और ये सारे विदेशी बताए जा रहे हैं। जो ये 79 लोग हैं, ये सभी विदेशी बताए जा रहे हैं और इनकी पहचान हो गई। लखनऊ से 24 विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है। बहराइच की बात करें तो बहराइच से 17 विदेशी नागरिकों की पहचान हुए, बिजनौर से 8, जबकि मेरठ की बात करें तो यहां से भी 10 लोगों की पहचान हुई है।